हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन मंत्रा के बारे में। मुझे मंत्रास के साथ काम करना बेहद पसंद है एंड मंत्रास डेफिनेटली काम करते हैं अगर आप उनके साथ रेगुलर रहते हैं एंड अच्छे से फोकस के साथ चैंटिंग करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मंत्रास से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मंत्रास बहुत ही सिंपल होते हैं बट बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के स्पेसिफिक मंत्रा के बारे में। आज का जो स्पेसिफिक मंत्रा है ये है रिलेटेड टू कामदेव महाराज, ठीक है, या फिर कामदेव भगवान से रिलेटेड ये मंत्रा है। एंड लॉर्ड कामदेवा को हम किन किन चीज़ों के लिए जानते हैं? पहली चीज़, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत चीज़ें मतलब सुधर ही नहीं रही हैं, तो उन सिचुएशंस में कामदेव जी की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अट्रैक्शन पावर्स बढ़ें, अट्रैक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, इट्स लाइक अट्रैक्शन, जो आप सोचो वही चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो ये मंत्रा आपको वो भी दे सकता है, ठीक। काफी लोग हैं जो सोचते हैं कामदेव मंत्रा अगर हम करते हैं तो जो अपोजिट जेंडर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सिर्फ ऐसा नहीं है। जो भी आप सोचते हो आपकी चीजें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी, अट्रैक्शन पावर आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो भी आप कामदेव जी की हेल्प ले सकते हो। आई नो काफी लोग सोचेंगे नहीं कामदेव सिर्फ लव के लिए, बट ऐसा नहीं है। जो भी चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो इंक्लूडिंग मनी, तो भी आप कामदेव जी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं कहूंगी अट्रैक्शन पावर्स इंक्रीज होती है इससे आपकी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो पर्सन कामदेव जी के साथ काम करता है उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग होती चली जाती है, ठीक है। कह सकते हैं फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप इस मंत्रा को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज चाहते हो तो भी आप इस मंत्रा को कर सकते हो, ठीक है। अब एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस मंत्रा को चैंट करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ you know, आपकी लव लाइफ चेंज होगी, ठीक है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपकी तरफ you know, उनका एक झुकाव होगा, तो आपकी तरफ नरमी से पेश आएंगे, या फिर कोई नया पर्सन है आपको देख के आपकी पर्सनैलिटी से इतना इन्फ्लुएंस होगा कि वो आपसे बात करना चाहेगा, तो ये आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके की बना देगा। ये इतना पावरफुल मंत्रा है, ठीक है। कह सकते हैं अट्रैक्शन मंत्रा है, ऑब्वियसली बात है, तो ये चीजें भी ये अट्रैक्ट करके देगा। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आप उनमें से हो जो यू नो अपनी लाइफ में एक नए लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो भी आप इस मंत्रा को यूज कर सकते हो। या फिर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, उनको हील करने के लिए भी आप इस मंत्रा को कर सकते हो। तो इनमें से कुछ भी आपका कंसर्न है, आप डेफिनेटली इस मंत्रा को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। काफी लोग ऐसे हैं जो कामदेव जी के मंत्रास को गलत तरीके से यूज करते हैं, बट मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, फिर चीजें बैकफायर भी चीजें होती हैं जो कि बाद में आपको you know, एक तरीके से प्राइस पे करना होता है चीजों का। तो इसको कभी भी किसी के गलत के लिए यूज मत करें। सपोज करें ऑलरेडी कोई हैप्पी कपल है एंड आप उनकी लव लाइफ को खराब करवाने के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो डेफिनेटली शायद ये काम भी ना करे। पहली चीज तो उस तरीके से चीजें काम नहीं करती हैं, पहली चीज शायद काम ही ना करे। अगर 1% काम कर भी गई तो डेफिनेटली बैकफायर जरूर होगा, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप इस मंत्रा को you know, किसी के बुरे के लिए कर रहे हो, देन प्लीज डोंट डू इट, ये बैकफायर होगा। काफी लोग ऐसे हैं जो ईगो में you know, जस्ट किसी को डोमिनेट करने के लिए इस मंत्रा को यूज करते हैं, तो प्लीज डोंट डू इट। काम में भी ना करें, एंड अगर काम किया भी तो फिर चीजें बैकफायर होंगी, वो चीज आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगी। अभी नहीं तो बाद में you know, यू हैव टू पे द प्राइस। तो किसी के बुरे के लिए इस चीज को नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन में हो, आप बहुत हर्ट हो, पहले अपने आप को हील करो, उसके बाद चीजों का एनालाइज करो कि क्या ये चीज करनी सही है। बिकॉज अगर आपके माइंड में कोई रिवेंज वाली सिचुएशन है, ऐसा कुछ है, तो प्लीज डोंट डू इट। एंड अगर आप खुद एक थर्ड पार्टी हो, देन प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। एंड एक चीज मैं बोलूंगी, अगर आप गलत हो सिचुएशन में, आपको अंदर अंदर वो चीज पता होगी, ठीक है। आई डोंट हैव टू टेल यू कि आप गलत हो सही हो, मैं कोई नहीं होती हूँ। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस चीज में गलत हो ना, आपको पता है कि हाँ मैं गलत हूँ, हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझें, इस मंत्र को ना करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंत्रा की। मंत्रा कुछ इस तरीके से है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः।
ये एक ऐसा मंत्र है जो ब्यूटी अट्रैक्शन पावर्स अट्रैक्शन जस्ट लाइक अपोजिट जेंडर की तरफ ही नहीं हर चीज में जो आप सोचोगे चीजें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट जाएंगी एक टाइम बाद. ठीक है, अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही या फिर कोई भी ऐसे इश्यूज हैं, ये मंत्र हर एक सिचुएशन की दवा है. ठीक है, अगर हम बात करें इसे कैसे करना है, पहली चीज तो अगर आप कामदेव जी के मंत्र को करते हो, मैंने ये चीज पहली अपनी एक वीडियो में भी बोली है, मैंने एक और गायत्री मंत्र कामदेव जी का शेयर किया है, तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि आप इसको नहा धोके हाइजीन का इसमें ध्यान रखें. कामदेव जी का ये मंत्र है. ठीक है, आपने इस मंत्र को कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है. सबसे पहली चीज, आपने एक कामदेव जी की फोटोग्राफ लेनी है. फोटोग्राफ नहीं है, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसे लैमिनेट करवा लीजिए और अपने ऑल्टर पे रख लीजिए. ठीक है, अगर आपका बहुत ही बिल्कुल पॉसिबल नहीं, आप पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो आप वैसे ही नॉर्मली कर सकते हो, अदरवाइज आप कामदेव जी की फोटो जरूर 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 रखें. ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लेनी है रुद्राक्ष की माला. रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास नहीं है, आप रोज क्वार्ट्ज की माला भी ले सकते हैं. रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है, लव का क्रिस्टल होता है, राइट. तो अगर आप लव के क्रिस्टल पे चैंटिंग करते हो तो आपको उसके और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, अगर आपके पास रोज क्वार्ट्ज की माला भी नहीं है, आपने सिंपली काउंटर होता है वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं. आपने डेली 108 टाइम इसको चैंट करना है सुबह एंड शाम, यानी कि सुबह 108 बार एंड शाम को 108 बार. ये एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है. ठीक है, अगर सपोज करें आपका रिलेशनशिप है हील नहीं हो रहा है या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आप एक एडिशनली चीज कर सकते हो, आपकी और आपके पार्टनर की जो फोटोग्राफ है उसको सामने रख के आपने इस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर देना है. ठीक है, फोटोग्राफ रखना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप फोटोग्राफ को देखते देखते इस मंत्र को चैंट करते हो या फिर फोटोग्राफ के सामने इस मंत्र को चैंट करते हो तो इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे. ठीक, अगर आप इसे किसी और विश के लिए कर रहे हैं, सपोज आप यू नो ब्यूटी के लिए कर रहे हैं या फिर नॉर्मली अट्रैक्शन पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं या फिर आप इसे नई लव लाइफ के लिए भी कर रहे हैं, आपने सिंपली क्या करना है, अपने माइंड में इंटेंशन रखनी है एंड इस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर देना है. ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, जो आपका फर्स्ट डे होगा यानी कि जब आप मंत्र चैंटिंग को स्टार्ट करेंगे, आपने कामदेव जी की फोटोग्राफ के सामने सबसे पहले तो उनको अपनी सिचुएशन बतानी है कि मैं इसे किस चीज के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है. आप सिंपली मन में ये चीज बोल सकते हो कि मैं इस काम के लिए इसे कर रहा हूँ, प्लीज इस मेरे काम को ब्लेस करें जिससे कि मैं सिचुएशन से निकल पाऊँ एंड जितना मैं मंत्र चैंटिंग का संकल्प लेता हूँ वो मैं पूरा कर पाऊँ. ठीक है, आपने इस दिन में फर्स्ट डे में आपने सिंपली बताना है, कामदेव जी को चीज बतानी है इंटेंशनली कि आप इसे कितने दिन तक करेंगे, किस लिए कर रहे हैं ये बताना है एंड कितने दिन तक आप करेंगे आपने ये भी बताना है. सपोज करें आप 21 डेज का लेते हैं कि मैं 21 डेज तक सुबह एंड शाम डेली इस मंत्र को चैंट करूंगा, आप ऐसा बोल सकते हैं. या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैं डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इसको चैंट करूंगा, आप ये भी कर सकते हैं. या फिर आप डेज बढ़ा सकते हैं, 41 डेज रख सकते हैं, 51 डेज रख सकते हैं, जितना आपको इंट्यूटिवली आता है कि मैं इतने दिनों तक मंत्र चैंटिंग करूंगा वो चीज आपने कामदेव जी को बतानी है. अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, दैट इज फायर एलिमेंट. फायर जो होती है, जो एलिमेंट होता है, वो ये कहा जाता है कि जो एलिमेंट है फायर वो आपके इंटेंशन को यूनिवर्स तक पहुंचाता है. तो इसलिए कैंडल मैजिक जो है वो बहुत ही पावरफुल है एंड बहुत ही सक्सेसफुल है, राइट. तो आप अगर कैंडल्स के साथ काम करना चाहते हैं, आप रेड कैंडल का यहाँ पे यूज करें. ठीक है, रेड कैंडल आप यहाँ पे यूज करेंगे. अगर आप कैंडल यूज नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपली घी का दिया जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का दिया जला सकते हैं. ठीक है, दिया जो होता है अगर उसे डेली इंटेंशन के साथ जलाया जाए तो वो भी आपको काफी कुछ मैनिफेस्ट करके दे सकते हैं. तो आपने पहले ही एडवांस में डिसाइड करना है कि आप इसे कितने दिनों तक करेंगे, कितनी बार करेंगे. अगर आप चाहें तो इसके स्पेसिफिक जाप भी बोल सकते हैं कि मैं इसके इतने हजार जाप करूंगा, 21,000 जाप मैं करूंगा, या फिर कह सकते हैं कि मैं इसको 1,25,000 तक जाप करूंगा, फिर 3,00,000 इसके जाप करूंगा. अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो, अदरवाइज आप सिंपली इतना बोल सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं डेली 108 बार करूंगा अप टू 41 डेज. आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर डेली मैं दिन में 2 बार करूंगा अप टू 41 डेज या फिर 21 डेज, जितने भी आप डेज बोलते हैं. मैं आपको क्लियरली इसलिए चीज बता रही हूँ बिकॉज जिससे आप कंफ्यूज ना हो. एंड एक और चीज आपने यहाँ पे बोलनी है, जब आपकी विश पूरी हो जाएगी आप क्या ऑफरिंग करेंगे. ऑफरिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रेड रोजेस ऑफर कर सकते हैं या फिर रोज का इत्र या परफ्यूम यू नो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं कामदेव जी के नाम पे. तो आपको जो इंट्यूटिवली आता है वह बोल दीजिए कामदेव जी को कि जब मेरा ये काम हो जाएगा मैं ये चीज करूंगा या फिर इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, जो भी आपके दिल में आता है वैसा कर सकते हैं. बट जो भी करना है दिल से करना है, अच्छी नीयत के साथ करना है,
अच्छी नीयत के साथ करोगे चीज़ें अपने आप होंगी, बट अगर आप सिचुएशन में गलत हो, आप किसी के बुरे के लिए कर रहे हो, तो प्लीज़ हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। अगर रिजल्ट 1% मिल भी जाए उस सिचुएशन में, तो चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी एंड बैकफायर होने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड बेसिकली आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत साफ होगी, चीज़ें अपने आप अच्छे से होती चली जाएंगी। तो अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें, इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। सो यार, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।